हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडिया एंड सेटिस वेलेडेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जॉब थ्योरी, प्रैक्टिकल और दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे CITS एडमिशन 2020-21 में एडमिशन किस प्रकार होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे आपके, और ITI डिप्लोमा डिग्री, ये दोस्तों ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं CITS के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो CITS कोर्स आपके लिए दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ऑल स्टूडेंट जैसे कि ITI आपने कर ली उनके लिए है, डिप्लोमा कर लिया उनके लिए है, और डिग्री कर ली उनके लिए है दोस्तों, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं हम कि कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको यही बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो मैंने आपको बताया था CITS के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा। तो आप सीधा आप यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे आ जाएं। गूगल क्रोम दोस्तों ये है हमारा गूगल क्रोम, अगर आप नहीं जानते तो ये गूगल क्रोम है हमारा। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएँ आप, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिखें सिंपल नीमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने लिखा है नीमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन, इसको लिख के दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक दोस्तों, तो सर्च कर दीजिए आप। सर्च करने के बाद दोस्तों ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक दोस्तों, ये हमारा एक खुल के आ गया। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे CITS कोर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तीन तरह का हमारा जो है लिंक ओपन हो चुका है। जो एक दोस्तों 10th पास के लिए ये है CITS एडमिशन, और दोस्तों जिसने ITI डिप्लोमा डिग्री वगैरह कर रखा है उनके लिए है ये रजिस्ट्रेशन लिंक, और जिसको दोस्तों CITS में री वगैरह आ गई थी यानी RPL का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना था उनके दोस्तों डाउनलोड हॉल टिकट आ चुका है, तो अपना एग्ज़ाम दे ले डाउनलोड करके हॉल टिकट अपना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि CITS के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो मैंने इसमें बनाई थी। ठीक है दोस्तों, CITS में तो डॉक्यूमेंट्स ये लगेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, और आपका ITI सर्टिफिकेट लगेगा इसमें CITS कोर्स में। ठीक है, और अगर डिप्लोमा कर रखा आपने तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहता हूँ CITS का हमारा, CITS जो है मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो इसको मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप रजिस्टर पे सीधा क्लिक करते हैं, रजिस्टर नाउ पे, तो सीधा आप रजिस्टर करने के लिए एबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें कुछ और जानना है कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, नहीं तो कहीं और जाके हमें एग्ज़ाम देना पड़ सकता है और हमें बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अबाउट CITS यानी आप और ज़्यादा CITS के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओवरव्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरव्यू क्या है हमारा, कोर्स आर ऑफर्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट अंडर DGT, NSTI, ITOT फुलफिल ऑब्जेक्टिव, यानी दोस्तों ये NSTI और ITOT दोनों ये कराती है CITS कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं और सरकारी से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नीचे जो हमारा एक मैप बना हुआ है। ठीक है, जो NSTI का ये दोस्तों ये मैप है, जहाँ पे NSTI दोस्तों ये वहाँ पे एक सिंबल शो कर रहा है। ठीक दोस्तों, एक लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये ITOT है, ये भी दोस्तों हमारा एक ITOT शो कर रहा है, यानी पूरे भारत में इतनी जगह पे है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा ये ओवरव्यू था कुछ। अब हम जानेंगे एग्ज़ाम सेंटर है, हम फॉर्म फिल कर दिया हमने, तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आ सकता है। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर आपका आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो भी आपके नियर हो, अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलोर, कैलीकट, चेन्नई, भुवनेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी, इसी तरह दोस्तों और भी कई हैं यहाँ पे, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, नोएडा, पानीपत, पटना। ठीक दोस्तों, तो जो भी आपके नियर डियर हो तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि अगर आप दूर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा वगैरह वगैरह। दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पे ये टेस्ट होता है। ठीक है,
तो आप दोस्तों जो आपके पास है तो आप वहीं का फिल करें, ठीक है दोस्तों। आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे क्योंकि टाइमिंग आपको ठीक ठाक मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए। आगे दोस्तों है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या लगेगा, आईटीआई आपने कर रखी है तो आपके पास एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससीबीटी वाले दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते, दोस्तों साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि एनसीबीटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यानी दे नहीं रखा उनके बारे में। डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले दोस्तों जो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वेड, यानी दोस्तों जो भी जो है एक प्रतिष्ठित जो बोर्ड से टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास प्राप्त होना चाहिए तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंट्रेंस फीस क्या है इसकी, एंट्रेंस फीस 500 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए। और दोस्तों जो एससी एसटी के लिए उनको रिजर्वेशन वगैरह मिली है, फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 300 रुपये है, वुमेन के लिए भी, ठीक है। आगे दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, जैसे कितनी आईटीआई वगैरह है वो सारी प्रोस्पेक्टस इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं अपने बारे में तो वो भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोस्पेक्टस के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सब आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए कि आप इस पर वीडियो बना दें सर, तो मैं बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों है CITS 2020 काउंसलिंग प्रोसेस, दोस्तों अगर आप सब फिल करेंगे तो ये आगे काउंसलिंग प्रोसेस होगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे इसका प्रोसेस आगे होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बोलेंगे तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें, सीधा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरें, और दोस्तों वही ईमेल आईडी भरें जो आपके पास हो, यानी कि आपने किसी दुकान वाले से भरवाया, दुकान वाले का डाल दिया, ठीक है। ईमेल आईडी दोस्तों अपना बना ले, 5 मिनट लगते हैं, ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको जो ये ऊपर डाला है वही डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। आगे दोस्तों आपका अपडेट हो जाएगा, यानी आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कुछ लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि CITS 2020 2021 के अगस्त 23 पंजीकरण नीचे लिंक है, इसी प्रकार ऐसे ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जो भी है दोस्तों। कैसी लगी आपको ये जानकारी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।